नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी ब्रेड्स प्रॉपर्टी मॉल। और अब हम खड़े हैं सेक्टर 122 मोहाली की ज़मीन में। ये सारा वो इलाका है जिसके अंदर सेक्टर 122 बनने जा रहा है। अभी फ़िलहाल ज़मीनें हैं, तो ये देखा कि MGF डेवलपमेंट लिखा हुआ है। MRMGF एक प्रोजेक्ट था, ये उनकी ज़मीन यहाँ पे खरीदी थी और वो सामने द रॉयल इस्टेट का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने झंडे लगा दिए। तो वो जो प्रोजेक्ट है रॉयल इस्टेट का, वो कह रहे हैं कि हम 100 एकड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसमें MRMGF से भी कुछ ज़मीन खरीदी जाएगी, एक जो जजेस की एक कॉलोनी बनेगी वो भी डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रॉयल स्टेट ग्रुप को सुनने में आया है कि मिल रहा है। अब रॉयल स्टेट ग्रुप को मिल रहा है या मिल चुका है, ये अभी कंफर्मेशन की बात है। जब तक वो डील कंफर्म नहीं हो जाती, सामने आ नहीं जाती, तब तक ये एक न्यूज़ है। और हम न्यूज़ चैनल हैं, तुम्हारा काम है न्यूज़ दिखाना, लेकिन हम ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अभी न्यूज़ है। उम्मीद है कि ये हो जाएगी डील, क्योंकि जो जजेस हैं वो खुद तो डेवलप करेंगे नहीं, डेफिनेटली किसी प्रोजेक्ट ओनर या जिसको डेवलपर को एक्सपीरियंस होगा उसी को देंगे, तो किसी को भी दे सकते हैं। तो सुनने में आया कि वो जो अप्रूवल्स डलेगी, ज़मीन उनकी रहेगी, अप्रूवल्स डालेगा रॉयल इस्टेट ग्रुप करके। तो अब 25 एकड़ से शुरू हो सकते हैं, 25 से ऊपर जितना मर्जी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अब MRMGF से भी ज़मीन खरीदी जा रही है सुनने में आया है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी CLU ले चुका है, KBD जिसको कहते हैं, इकनोरी बिल्डर एंड डेवलपर, KBD लैंड कॉर, उनका भी कुछ बयान हो रखा है MRMGF की ज़मीन लेने के लिए। तो अब इस 122 पूरे सेक्टर के अंदर 3 प्लेयर हैं, एक KBD लैंड कॉर्प, दूसरा रॉयल स्टेट ग्रुप और तीसरा MRMGF। मैक्सिमम ज़मीन जो है इन तीनों के पास है और चौथे वो किसान हैं जिन्होंने भी ज़मीन बेची नहीं है। तो 122 में ये सब आगे, और पांचवा 39 वेस्ट HP सिंह एंड कंपनी का जो पुराना प्रोजेक्ट है जो पीछे सामने ऑलरेडी डिलीवर है, और वो 5 आ गया। तो 122 में ये 5 टोटल प्रोजेक्ट हो गए। अब अगर आपको जो रॉयल स्टेट ग्रुप यहाँ बोर्ड लगाए उसकी अभी CLU आई नहीं है, तो उसका प्री लॉन्चिंग में सेल हुए अभी साल सवा साल हो गया है, लेकिन पहले किसी को पता नहीं था, जो इन्वेस्टरों ने ले रखा था वो साइलेंट बैठे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि वो जजेस की ज़मीन जो खरीदी हुई है सोसाइटी की, वो उनके साथ टाइप होने के बाद झंडे यहाँ पर लग चुके हैं, तो एकदम से क्योंकि बहुत सारे बोर्ड लगा दिए हैं, गांव में भी लगा दिए, जरूरी तो उससे थोड़ा सा हलचल हो गई है। और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है क्या रेट है, क्या रेट है, क्या रेट है। अभी डील तो उतनी नहीं हो रही, लेकिन पूछने से ही रेट बढ़ गया, क्योंकि एक बंदा जाके जब किसी एक डीलर को पूछता है कि जी मैंने जी रॉयल इस्टेट के अंदर प्लॉट लेना है, तो वो 10 बंदों को फ़ोन करता है, फिर वही कस्टमर एक और बंदे के पास जाता है प्रॉपर्टी डीलर के पास, उसको बोलता है जी मैंने रॉयल इस्टेट के अंदर एक जो प्लॉट देखना है, वो भी 20 बंदों को फ़ोन करता है। तो जो बाज़ार में बंदा एक ही घूम रहा होता है, लेकिन फ़ोन एक दूसरे को 300-400 हो जाते हैं। तो मार्केट में ये लगता है, सबको ये लगता है कि जी 300-400 लोग घूम रहे हैं प्लॉट लेने के लिए, बट एक्चुअल में वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होता है। तो इससे एक फर्जी तेजी आ जाती है, जिसका लॉस होता है प्लॉट खरीदने वाले को, क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है 3-4 हज़ार रुपये गज का, तो यूं ही बढ़ जाता है। अब उसका डेंट पड़ता है खरीदने वाले, जितना खरीदने वाला ज़्यादा इंक्वायरी करेगा उतना ज़्यादा नुकसान उसका होगा। तो ये फैक्ट है, हम किसी को रोक नहीं सकते इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि उनका हक है, उसकी इच्छा होती है कि भाई मैं 20 बंदों से पूछूं, रेट ट्राई करूं, तो मेरे को मिलेगा। अब जिनका स्टॉक ले रखा होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनकी तो दुकान कोई है नहीं, दुकानें तो किसी और की हैं जिनके पास स्टॉक खुद का है नहीं, तो उन्होंने तो फ़ोन करने हैं, वो सभी लोग उसी को फ़ोन करे जा रहे हैं फटाफट फटाफट, तो इससे प्राइस बढ़ जाता है। तो प्रॉपर्टी किसी और प्रोडक्ट की तरह नहीं होती है,
जैसे हम किसी और दुकान एक मंडी में जाते हैं, सबके पास मार्बल पड़ा है तो सबके पास अपना अपना स्टॉक पड़ा है, हम पूछेंगे उसका रेट तो वो अपना अपना रेट बताएगा। लेकिन रियल सेट में ऐसा नहीं होता, किसी के पास अपना स्टॉक नहीं होता, सब किसी से पूछ के बताते हैं और वो ग्रुप बने होते हैं, तो उस सारी इंक्वायरी के अंदर एंड में नुकसान होता है खरीदने वाले का। ये हो चुका है और हो भी रहा है, होता भी रहेगा, इसको नहीं रोक सकते आप। तो सेक्टर 122 आज से डेढ़ साल पहले मैंने शुरू किया था और डेढ़ साल में अब तक सेक्टर 122 में जितने प्लॉट मैंने सेल किए हैं, हो सकता है किसी और ने उतने ना किए हों, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो गया और थोड़ा हमारा न्यूज़ वाला भी कंटेंट रहता है, हमें खबरें निकालने की भी थोड़ी हमारी एक्सपर्टीज है या कह लीजिए हमारा काम है, तो उसका भी हमें फ़ायदा होता है। तो आज अगर आप 122 सेक्टर जो कि चंडीगढ़ के बाद पहला पंजाब का प्रोजेक्ट आएगा, सेक्टर आएगा जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, 4-5 सभी का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, तो आप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है कॉल करके ले सकते हैं। चाहे आपको रॉयल स्टेट में प्लॉट चाहिए, चाहे आपको केबीडी लैंड कॉर्प में चाहिए, चाहे आपको 39 वेस्ट में चाहिए, सब जगह है। अब जो जो सब जगह है वो मेरे पास भी है, तो 20 दुकानें घूमेंगे यही जुबान सबके पास है, वही जुबान मेरे पास है। इच्छा आपकी है 20 घूमने की, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ना है, तो मेरा बताना फर्ज है, माना या माना आपका काम है। और एक शेर आ गया याद के, क्या जमीन आसमान थे पहले, हम ही हम दरमियां थे पहले, क्या जमीन आसमान थे पहले, हम ही हम दरमियां थे पहले, अब तो उनकी भी सांस फूलती है जो बहुत सख्त जान थे पहले, तो अब प्रॉपर्टी लेने में उनका भी दम फूल जाता है, वो कहते थे बहुत पैसे हैं, क्योंकि आज की डेट में 200 गज का प्लॉट करोड़ रुपए का हो गया, तो पहले जिसके पास करोड़ था वो कहता मैं तो सारा शहर खरीद लूं, लेकिन आज 1 करोड़ रुपए तो कुछ बात नहीं है प्रॉपर्टी में, तो जो सख्त जान थे पहले आज उनका भी सांस फूलता है। तो नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, कॉल करें आए, हमारा ऑफिस है सेक्टर 125 में बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर गोपाल स्वीट के सामने, आप आएंगे आपको दिखाएंगे, हमारा स्टाफ है और उम्मीद करते हैं जो आप ढूंढने आए होंगे आपको मिल जाएगा। आज के लिए तो ही, मिलते हैं दोबारा एक वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।